जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल फिर एक बार आपके तय समय पर आ गया हूँ संध्या 5 बजे। चलिए आज हम लोग भर्व का थोड़ा सा स्पेशल पार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्पेशल पार्ट है समझिए, ये भर्व का 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्टों को हम लोगों देख लिया जिसमें बेसिक और मॉडल भर्व के बारे में कम्प्लीट पढ़ रहे हैं। ये सीरीज आपका भर्व का चल रहा है और सब कुछ सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में क्या खास है उसको समझिएगा। आज के क्लास में हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे फाइनाइट वर्ब यानी कंप्लीट फाइनाइट वर्ब के बारे में आज डिस्कशन चलेगा, फिर अगले वीडियो में इनफाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कशन चलेगा। ये जो बैच है आपके लिए कहाँ कहाँ होगा, SSC CGL CHSL 2022 फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप लोग जाइए वहाँ पर भर दीजिए। CHSL का अगर नहीं भरे हैं अब तक तो अंतिम डेट की प्रतीक्षा ना करें। चलिए हम लोग क्लास विलम्ब नहीं करते हैं, क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। थोड़ा सा मक्खी परेशानी कर रहा है, बार बार स्क्रीन पर बैठ रहा है जिसके कारण से स्क्रीन इधर उधर हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई विलम्ब किए हुए, बिना कोई देरी किए हुए। हम लोग आज भर्व के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी भर्व तो पढ़ ही रहे हैं, भर्व में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। भर्व में 2 पार्ट हमने पढ़ा था, एक मेरे भाई हेल्पिंग भर्व और दूसरा मेन भर्व। हेल्पिंग भर्व के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। हेल्पिंग भर्व में हमने पढ़ा मॉडल के बारे में कि मॉडल 13 होता है कुल, कैन कुड मे माइट, और वो होता है जिसमें से एक 10 और 3। जो 10 वो है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग भर्व का काम करता है, और जो 3 वो है हेल्पिंग भर्व और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें एक प्राइमरी वर्ब भी पढ़े थे जिसमें बी का फॉर्म, जिसमें डू का फॉर्म और हैव का फॉर्म था, ये कंप्लीट था। अब मेन वर्ब हम लोग आज पढ़ेंगे, मेन वर्ब स्टार्ट हो रहा है जिसमें 2 चीज़ हम बताए थे, फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव होता है और इनट्रांजिटिव होता है, नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है, पार्टिसिपल होता है। तो हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को एक एक करके देखेंगे। देखिए तो चलिए हम लोग समझते हैं कहानी को। मेन वर्ब हम लोग आज कंप्लीट मेन वर्ब पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेन वर्ब वो सब हम देखेंगे। आपको पता है मेन वर्ब हम पहचानने का सिंपल सा हम रूल बताए थे, जिसका वर्ब फॉर्म बन जाए। क्या बन जाए मेरे भाई? जिसका वर्ब फॉर्म बन जाए, यानी जिसका आप प्रयास करिए V2 और V3 बनाने का। जिसका V2 और V3 बन जाएगा ना मेरे भाई, वो संभवतः क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होगा, हम बता दें। हालांकि V4 भी होता है और V5 भी होता है, मगर ये तो जनरल सबका ही बनता है। हम लोग चेक करने के लिए बोले थे आपको, आप V2 और V3 बनाने का प्रयास करिएगा। जिस भी वर्ब का V2 और V3 बन गया तो समझना है मेरे भाई वो अपने आप में काम करेगा, मेन वर्ब। अब यहाँ से आपका क्लास आज का स्टार्ट होता है। मेन वर्ब में 2 होता है, मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां से आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई कि फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है। फाइनाइट कहने का मतलब होता है निश्चित, और नॉन फाइनाइट कहने का मतलब होता है अनिश्चित। सीधा सा हम एक लाइन में समझाने का प्रयास करते हैं। फाइनाइट का मतलब निश्चित। निश्चित आप कब किसी को बनाते हैं? जब उसके अकॉर्डिंग, मान के चलिए आप बाजार गए और बोले हमको आलू लेना है। क्या लेना है? आलू लेना है। आप दुकानदार के पास गए, बोले हमको आलू दे दीजिए, तो दुकानदार अभी भी असमंजस में रहेगा और पूछेगा आपसे सवाल कि भैया कितना आलू दे दे। आप उसमें 2 किलो 5 किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो, मान के चलिए हम बोले कि 10 किलो आलू दे दीजिए, तो अब वो निश्चित हो गया। उतराजू पर 10 किलो ही तोल सकता है, 11 किलो नहीं तोलेगा, 100 ग्राम ज़्यादा नहीं तोलेगा, नहीं 100 ग्राम कम तोलेगा। तो ये हो गया निश्चित, हम दुकानदार को डायरेक्ट बोलते आलू दे दीजिए, तो ये अनिश्चित हो गया, क्योंकि उसको अभी तक कन्फ्यूजन है, उसको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि आपको आलू कितनी मात्रा में चाहिए। मगर जैसे ही हमने लगा दिया 10 किलो, तो उसको दुकानदार को पता हो गया कि मेरे भाई अब हमको जो कस्टमर को देना है 10 किलो देना है, और 10 किलो के अकॉर्डिंग ही पैसा लेना है। तो सिंपल सा बात समझ लीजिए, वर्ब का एक ऐसा रूप जो निश्चित हो, वर्ब का एक ऐसा रूप जो अनिश्चित हो। हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों के बारे में आज समझा देते हैं,
मगर कंप्लीट फाइनाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर। फाइनाइट कहने का मतलब इट हैज ए सब्जेक्ट एंड होज इट्स टेंस। कहने का मतलब यह हो गया मेरे भाई, फाइनाइट वर्ब के पास एक वर्ब ऐसा वर्ब होना चाहिए जिसके पास कोई सब्जेक्ट हो। और देखिए अभी तो आलू प्याज आप खरीद रहे हैं तो वहां 10 किलो, मगर वर्ब में कैसे किसी को निश्चित बनाइएगा, तो उसका सब्जेक्ट देकर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल। यही होता है फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले। इसको सिंपल भाषा में समझिएगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले। कैसा चले मेरे भाई, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल। जब वाक्य में मेन वर्ब है तो वो कहीं ना कहीं टेंस का भी कल्पना करता है कि आखिर वो वाक्य कौन सा टेंस में दिया हुआ है। ये होता है फाइनाइट वर्ब। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी इट हैज नथिंग, इट हैज नथिंग, इसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही यह किसी टेंस को दर्शाता है। इसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही टेंस को दर्शाता है। हम जिसमें पढ़े थे एक होता है इन्फिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल। यानी कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो नॉन फाइनाइट तीन प्रकार का, इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल। यानी इन्फिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल के पास ना ही सब्जेक्ट होता है, के पास ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही यह किसी टेंस को दर्शाता है। ये या तो खुद सब्जेक्ट हो जाता है या टेंस को दर्शाने लगता है, सॉरी टेंस को नहीं दर्शा पाएगा। ये इन्फिनिटिव जिरंड और पार्टिसिपल ये खुद सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, मगर खुद टेंस को नहीं दर्शा सकता और ना ही ये सब्जेक्ट इसके पास आ सकता है। तो यहाँ तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि व्हाट इज फाइनाइट वर्ब और व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड सो इट्स टेंस। इट्स टेंस कहने का मतलब कि वह कोई ना कोई पार्टिकुलर टेंस को दर्शाएगा, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। मगर नॉन फाइनाइट वर्ब के पास कुछ नहीं है, इसके पास ना ही सब्जेक्ट है और ना ही ये टेंस को दर्शाता है। तो यहाँ तक फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, फाइनाइट वर्ब आपको पता हो गया कि मेरे भाई, हम एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड सो इट्स टेंस। इट पहला कैपिटल होना चाहिए, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड इट सो इट टेंस। आज हम लोग फाइनाइट वर्ब का एक एक चीज डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो नॉन फाइनाइट होगा, उसमें इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल पढ़ेंगे। यहां पर समझिएगा फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का एक छोटा सा डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या कि फाइनाइट वर्ब के पास एक सब्जेक्ट होता है और वो कोई ना कोई टेंस बताता है, जबकि नॉन फाइनाइट के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ये टेंस भी नहीं बताता। इसको अभी हम एग्जांपल में समझेंगे। सबसे पहले न होगा तो हम एग्जांपल ही आपको समझा देते हैं। जैसे लिखते हैं आई वॉन्ट अ कार, सी वॉन्ट अ कार, I would like to dance in the party. I
danced in the water. कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं. Smoking is injurious to health. यहां से एक एक चीज समझ लेगा, समझ में आ गया होगा. She is smoking. She is smoking. अब समझिएगा कहानी, आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का समझ में आएगा यहां से. कैसे मेरे भाई, उसको देखिए कैसे. नंबरिंग कर देते हैं ताकि एक एक चीज समझ में आए. चलिए पहला हम वाक्य लिखे, सी इज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रही है. वह धूम्रपान कर रही है, ठीक है भाई, वह धूम्रपान कर रही है. ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया. अब यहां पर देखिए, यहां भी स्मोकिंग है और सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में भी स्मोकिंग है. ये जो स्मोकिंग है ये अकॉर्डिंग टू सी चल रहा है. क्या चल रहा है? सी, यानी वह के अकॉर्डिंग है. तो यानी ये अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग बदल सकता है. यहां पर आप इज, अगर यहां पर आई लगा दिए मेरे भाई, तो आई के साथ एम आएगा. क्या आएगा? आई के साथ एम आएगा. मगर यही स्मोकिंग यहां पर आ गया तो अब इसको किसी से मतलब नहीं है. स्मोकिंग किसी से मतलब नहीं है, उसको अब कोई चीज से मतलब नहीं है, चाहे उससे पहले सब्जेक्ट रहे चाहे नहीं रहे. मगर पहले वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, सी इज स्मोकिंग, तो यहां पता चल रहा होगा कि प्रेजेंट टेंस में है. क्या है? क्योंकि यहां पर इज लगा हुआ है मेरे भाई, इज है तो प्रेजेंट है. अगर यहां पर रहता वाज, क्या रहता? वाज. अगर वाज रहता तो आप बता देते पास्ट. पर अगर टेंस पहचानने का सिंपल सा फॉर्मूला है, टेंस पहचानना है तो आप या तो हेल्पिंग वर्ब चेक कर लो या मेन वर्ब चेक कर लो. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही उसका उस वाक्य का टेंस का पता चलता है कि आखिर वह कौन सा टेंस में दिया हुआ है. तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत बस यहाँ है कि इसको स्मोकिंग से कोई मतलब नहीं है कि वो सब्जेक्ट कैसा है. ये खुद यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, खुद यहाँ पर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो ये स्मोकिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट हो गया और यही स्मोकिंग यहाँ पर फाइनाइट हो गया. शब्द वही है, ना ही शब्द बदला, बस जगह बदलने से उसका नाम भी बदल गया. इसीलिए कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात. जैसा आपका संगति होगा वैसा ही आपका नाम होगा. यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब को लेकर चला तो ये फाइनाइट वर्ब बन गया, यानी वह निश्चित हो गया. मगर यहाँ पर ये किसी के साथ नहीं चला, अकेले चला, ना ही सब्जेक्ट से मतलब है. तो ये स्मोकिंग सब कुछ यानी जात से बेदखल हो गया. अब स्मोकिंग करने का मतलब यहाँ पर नॉन फाइनाइट हो गया, ये अनिश्चित हो गया, सॉरी ये अनिश्चित हो गया. अब इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है. तो यही होता है फाइनाइट नॉन फाइनाइट. अब देखिए, अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को कैसे, अब ये स्मोकिंग सिंगुलर प्लुरल कुछ भी के लिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मगर आई वांट अ कार, ये मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब. अब ये जैसे ही मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है. क्या है? फाइनाइट वर्ब. कैसे मेरे भाई फाइनाइट वर्ब है? क्योंकि वाक्य में, क्योंकि वाक्य में, क्योंकि वाक्य में एक मेन वर्ब के बिना वाक्य बन सकता नहीं. ये मेन वर्ब है तो इसको अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा. क्या चलना होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब वांट सेम है, निश्चित भी बनाना है. यहां पर आई, आई आपका प्लुरल, तो ये वर्ब भी प्लुरल. से यहां पर सिंगुलर, इसीलिए यहां पर वांट में आप वांट में एस लगाते. सी के साथ सी वांट्स अ कार, उसे एक कार है या उसे एक वक्त हुआ एक कार चाहती है. तो फाइनाइट वर्ब का नियम ही होता है और उसको निश्चित बनाने का तरीका ही होता है कि उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है. किसके अकॉर्डिंग चलता है मेरे भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है. आई वुड लाइक टू डांस, देखिए आई वुड लाइक टू डांस इन द पार्टी, मैं पार्टी में डांस करना पसंद किया या पसंद करता हूँ. समझते हैं? आई वुड लाइक टू, देखिए वुड आपको पढ़ाए थे मॉडल वर्ब, और मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है. ये अगर हेल्पिंग तो लाइक मेन वर्ब.
तो ये 2 प्लस वी वन मेरे भाई इन्फिनिटिव हो गया, 2 प्लस वी वन इन्फिनिटिव हो गया। डांस सेम ही है मगर उसके साथ लग गया 2, यानी 2 प्लस वी वन इन्फिनिटिव। आगे हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में, तो ये इन्फिनिटिव हो गया तो अब इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, चाहे यहाँ आई रहे, चाहे यहाँ बी रहे, चाहे राम रहे, चाहे श्याम रहे, चाहे घनश्याम रहे, कुछ रहे, ये टू डांस को किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर हम बोले गुरुदेव कि टू डांस देख कर बताइए कि टू डांस से कोई पता चल रहा है कि कौन टेंस है, नहीं। आप टेंस पहचानने के लिए फाइनाइट वर्ब वुड और लाइक को देखिएगा कि हाँ वुड है तो कहीं ना कहीं विल का पास्ट है, विल का पास्ट है, मॉडल वर्ब का एग्जांपल हो सकता है, और नहीं तो विल का पास्ट वुड में नरेशन वाला भी हो सकता है, दो संभावना है। तो आप वुड और लाइक को देख कर पहचाने, न कि टू डांस को देख कर पहचाने। टू डांस को नॉन फाइनाइट वर्ब को नहीं सब्जेक्ट से मतलब होता, और इससे आपको उसका टेंस भी पता नहीं चल रहा होगा। मगर फाइनाइट वर्ब, अब लाइक क्या हो गया आपका, ये जो लाइक की हम अगर बात करें तो ये लाइक, अगर हम लाइक की बात करें तो ये आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, ये आपका फाइनाइट, जबकि टू इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब, मगर लाइक इसको आप सब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जैसे चेंज होगा ये भी चेंज होगा, मगर मॉडल होने की वजह से ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मॉडल हटा दीजिएगा आप वुड कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर अगर सी कर दीजिएगा तो लाइक को भी प्रभाव पड़ेगा, उसको भी बदलना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखिएगा यही होता है कॉन्सेप्ट। बेसिक से पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, हर चीज क्लियर होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, आई डांस इन द पार्टी, मैंने पार्टी में डांस किया। देखिए यहाँ 2 प्लस वी वन इन्फिनिटिव था, यानी इनफाइनाइट वर्ब, जबकि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट से मतलब होगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा इसको बनाना पड़ेगा। मगर यहाँ पर डांस, अब कहें कि डांस को देखकर, डांस को आप देखकर बता दीजिए तो कौन टेंस में है, तो आप बता सकते हैं कि गुरुदेव कौन टेंस में, कैसे उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि यह भी टू है, क्या है, वर्ब का दूसरा रूप, तो ये वर्ब का दूसरा रूप है तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में ही हो सकता है। जैसे ही वर्ब का दूसरा रूप है तो ये पास्ट टेंस में होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए कि आया कि नहीं आया। तो फाइनाइट इनफाइनाइट का हमने डिफिनेशन भी देख लिया, उसका एग्जाम्पल से भी समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरे दो अनमोल रतन। चलिए यहाँ पर थे हम लोग, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट होता है और ये इससे टेंस। हम लोग नॉन फाइनाइट जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से जानेंगे, फिलहाल समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, सीधा सा बस मतलब समझ जाइए, सीधा सा फॉर्मूला समझ जाइए, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, नीड्स अ ऑब्जेक्ट, और ये डज नॉट नीड अ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना मेरे भाई, क्या होना चाहिए, एन ऑब्जेक्ट, नीड एन ऑब्जेक्ट, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो है तो उसके लिए एन आएगा, आर्टिकल में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जिसके ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसको एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझा जाता है। अब इसमें देखिए कैसे याद रखेंगे, मेन वर्ब में दो गो, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब में दो गो, एगो ट्रांजिटिव एगो इनट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव जीरंडा पार्टिसिपल, ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब को समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब में को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये कहानी आपको सदैव याद रहना चाहिए। बाकी इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ट्रांजिटिव इंट्रा, अगर कोई पूछ दे आपसे कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब,
तो सीधा सा बता दीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो बिना ऑब्जेक्ट के बिना अपने वाक को पूरा नहीं कर सकता है। यानी सिंपल वे में समझा सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब हैज या नीड्स, या ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एंड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इन ट्रांजिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यही एक लाइन का डिफिनेशन है। देखिए डिफिनेशन तो कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए जरूरी होता है, तो जानकारी आपको हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वर्ब सेम ही होता है, वर्ब का कैटेगरी सेम है, बस कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट को अपने आप को पूरा कर लेते हैं और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है। उसको कैसे समझिएगा वैसे समझाते हैं। मान के चलिए ये लिख लिए, सी गिव मी, या सी गिव्स मी कर दीजिए, सी गिव्स मी, वह मुझे देती है, वह मुझे देती है। तो आप मन में विचार आएगा कि क्या देती है सर, कुछ भी दे सकती है। She gives me, वह मुझे देती है, क्या देती है, तो कुछ हो सकता है, आम कटहर अंगूर कुछ भी हो सकता है, लाठी डंडा कुछ भी हो सकता है। तो ये गिव्स से हमको पता नहीं चल रहा है मेरे भाई कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। यानी गिव्स अपने आप को पूरा नहीं कर पा रहा है। She gives me, वह मुझे देती है क्या, दूध मिल्क, क्या क्या देती है। तो मान के चलिए She gives me milk, यहाँ पर हम मिल्क कर दें, तो वह मुझे दूध देती है। अब क्लियर हो गया होगा कि क्या देती है, क्या देती है, दूध देती है। मगर हम अगर मिल्क या इमी सी गिव्स से रखते, सी गिव्स वह देती है, तो यहां से कहीं ना कहीं अर्थ पूरा नहीं है। वह देती है तो आपके मन में अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को कैसे पहचानेगा, याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसको सुनकर आपको दिल को तसल्ली लगे, और इंट्रांजिटिव जिसको अधूरा अधूरापन लगे कि कुछ मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। जैसे ही कुछ मांगेगा तो बुझ जाइएगा मेरे भाई कि उसको कुछ चाहिए, और जैसे ही जिसको कुछ चाहिए वो ऑब्जेक्टिव चाहिए जो वाक्य को पूरा करे, तो हो गया इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। चलिए दोस्त अगर आपको समझना होगा ना तो चारे पांच एग्जांपल में आप समझ जाएगा, नहीं समझना होगा तो कहियो नहीं समझ में आएगा। कैसे समझाते, सी लव्स वह प्यार करती है, वह प्यार करती है, ठीक है प्यार करती है, कोई गुनाह नहीं है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर बोले वह प्यार करती है तो किसको, आपको, हमको, मोबाइल को, वो अपन कुत्ता के, बिलाई के, केकरा प्यार करती है, दरवाजा के, मोबाइल के, किसको, तो जैसी ही किसको केकरा, क्लियर है नहीं हो रहा है, बातें फंसा हुआ है कि प्यार करती किसको, हमरा दोस्त को, किसको, बात पेच फंस गया। जहां पेच फंस गया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इसको कुछ चाहिए, सी लव्स माई डॉग, वो हमारा कुत्ता को प्यार करती है, हमसे प्यार नहीं करती, तो कुछ ना कुछ दिए, और जैसे ही कुछ ना कुछ दिए तो लव्स मेरे भाई क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी वॉन, वह जीती है, या वह जीत गई है, क्या जीती है, हमको, मेरा कोट को, मेरा टी शर्ट को, मेरा बोर्ड को, क्या चीज को जीती है, तो सी वॉन द रेस, कुछ जोड़ दिए, एगो ऑब्जेक्ट दिया है, ये ना माई डॉग ऑब्जेक्ट है, ये ना द रेस ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। जिसको ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट हो, जिसको बात क्लियर नहीं है कि की हुआ नहीं हुआ, जब बात ऑब्जेक्ट देने के बाद क्लियर हुआ तो ट्रांजिटिव वर्ब, आई ट्रांजिटिव वर्ब सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। माई फादर थ्रू, मेरे पिताजी फेंके, क्या फेंके, भाला, किताब, क्या फेंके हैं, छुरा, क्या फेंके हैं, ढेला, क्या, कुछ ना कुछ फेंके, तो जैसे ही कुछ ना कुछ फेंके, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ हो दे दीजिए, तो ये हो गया मेरे भाई ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है।
और जैसे ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ट्रांजिटिव वर्ब, आ इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, आई रन, मैं दौड़ता हूँ, हम ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो सीधा सा बात समझ में आ गया होगा कि दौड़ रहा है तो जमीने पर दौड़ रहा है, आकाश में नहीं दौड़ रहा होगा, हमारा घर में नहीं दौड़ रहा होगा, हमारा बालकनी में नहीं दौड़ रहा होगा, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। तो ये दौड़ने का काम है कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा है, सेंटेंस का जो अर्थ है वो क्लियर कर रहा है कि हाँ भाई दौड़ रहा है, भले वो तेज दौड़े, फास्ट दौड़े, स्लो दौड़े, कैसे दौड़े हमको उससे मतलब नहीं, मगर वो दौड़ रहा है या वह दौड़ता है। तो दौड़ता है तो क्लियर है कि फील्ड में दौड़ रहा होगा, ये फील्ड में दौड़ रहा होगा ये। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट लगा दिए तो और बढ़िया, नहीं लगाए तो भी बढ़िया, मगर बात समझ में आ गया कि वहाँ दौड़ता है तो कहाँ दौड़ता होगा, तो फील्ड में, हमारा घर में, कि ये रूम है तो इसमें तो कोई दौड़ लेगा, नहीं दौड़ सकता है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है अर्थ, माई डॉग स्विम्स, यहाँ पर ऐसे लगाइए क्योंकि सिंगुलर बनाना है, मेरा जो कुत्ता है उसको तैरने आता है, ताकि हम हवा में तैर लेंगे, जैसे जहाज में तैर लेंगे, कहाँ तैरेंगे, स्वाभाविक बात है पानी में तैरता होगा, कि हम कुत्ता है, मान के चलिए हम कुत्ता है या कोई भी व्यक्ति कुत्ता है, तो कहाँ तैरेगा, कहाँ, हवा में, पानी में, आपके घर में, मोबाइल में, कहाँ, पानी में ही तैरेगा। यहाँ पर सेंटेंस का जो अर्थ है वो दोनों कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा कि हाँ भाई कुछ सेंस निकाल पा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट न भी दिए तो हम सेंस समझ सकते हैं, जो कुतवा है वो पानी में तैरेगा, जो हम हैं वो फील्ड में दौड़ेंगे। अगर यही ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता तो वो ट्रांजिटिव, मगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। यहाँ तक समझ में आया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फॉर्मूला, ये क्लियर हो गया। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होता है जिसको सब्जेक्ट का, अच्छा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो समझ गए। अब देखिए इसी लफ्ज़, चाहे ट्रांजिटिव है चाहे इंट्रांजिटिव हमको नहीं पता, मगर ये जो लफ्ज़ है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये जो विन जितने का काम कर रहा है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सी के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। थ्रू किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, माई फादर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये जो रन है किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आई। ये जो स्विम है किसके अकॉर्डिंग, कुतवा के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चला, जिसके वजह से ये फाइनाइट वर्ब भी हुआ और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी समझ में आया। अब पहला में देखिएगा सी लव्स, हम अगर बोले कि टेंस पहचानिए तो पहचान जाइएगा, कहेगा जी सर प्रेजेंट टेंस है, बी वन लगा हुआ है, कमुन का मार दीजिए, एकदम शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए। तो अब कमेंट करके बताइए पांचों एग्जाम्पल कौन कौन टेंस का है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कैसा रहा वो अपना बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो वर्ब में हम लोग फाइनाइट वर्ब आज क्लियर कर लिए, कोई कन्फ्यूजन न रहा। तो यहाँ तक क्लास कैसा लगा आप लोगों को बताइए कमेंट करके, और जो भी वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका नोटिफिकेशन, जो हमारा चैनल का नोटिफिकेशन है, वो आपको समय से मिलता रहे। लाइक शेयर तो करना एकदम नहीं बोलिएगा, एक व्यक्ति 10-10 बेर शेयर, 5-5 बेर कर दिया, 2-2 को कर दिया तो कितना बेहतरीन रहेगा, कोई दिक्कत होगा। आज हम बिहारी मीडियम का टी शर्ट पहने, शर्ट नहीं पहने, तो सब लोग शेयर करिए, तभी तो हम आप दोनों मिलकर तहलका मचाएंगे एग्जाम में तहलका मचाना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह इंजॉय करते रहिए, क्लास का आनंद लेते रहिए, अपने तय समय 5 बजे आइए, मुस्कुराइए, पढ़िए और घर चाहिए खाई ले पी ले बरबो कर, कहावत है, ठीक है, चलिए धन्यवाद।